Hey, what's up guys? आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल KJ Hollywood में। लेटेस्ट मूवीज की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज हम कवर करने वाले हैं चाइनीज सुपरस्टार डैनी यांग की टॉप 10 बेस्ट हिंदी डब्ड मूवीज को। और साथ ही दोस्तों, इस वीडियो के एंडिंग में मैं आप लोगों को ये भी बताने वाला हूँ कि आप लोग इन मूवीज को कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारी इस लिस्ट में नंबर 10 पर आती है आइसमैन मूवी, जो कि दोस्तों 2014 में रिलीज हुई थी और एक कमाल की एक्शन कॉमेडी मूवी है। इस मूवी को आईएमडीबी ने 4.8 की रेटिंग दी है और 80% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। दोस्तों, भले ही इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग कम हो, परंतु ये काफी सारे लोगों की फेवरेट मूवीज में से एक है। तो आप लोग इस मूवी को देखना मत भूलिएगा। नंबर 9 पर आती है मुलान मूवी, जो कि दोस्तों 2020 में रिलीज हुई थी और एक कमाल की एक्शन एडवेंचर मूवी है। इस मूवी को आईएमडीबी ने 5.6 की रेटिंग दी है और 63% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। दोस्तों, इस मूवी की स्टोरी काफी अच्छी है, तो आप लोग इस मूवी को देखना मत भूलिएगा। नंबर 8 पर आती है स्पेशल आईडी मूवी, जो कि दोस्तों 2013 में रिलीज हुई थी और एक कमाल की एक्शन थ्रिलर मूवी है। इस मूवी को आईएमडीबी ने 5.6 की रेटिंग दी है और 88% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। दोस्तों, अगर आप लोग डैनी यांग के डाई हार्ड वाले फैंस हैं, तो इस मूवी को देखना मत भूलिएगा। नंबर 7 पर आती है द लॉस्ट ब्लेड्समैन मूवी, जो कि दोस्तों 2011 में रिलीज हुई थी और एक कमाल की एक्शन ड्रामा मूवी है। इस मूवी को आईएमडीबी ने 6 की रेटिंग दी है और 86% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। दोस्तों, अगर आप लोगों को एक्शन ड्रामा मूवीज देखना पसंद है, तो इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। नंबर 6 पर आती है लेजेंड ऑफ द फिस्ट द रिटर्न ऑफ चैंग यांग मूवी, जो कि दोस्तों 2010 में रिलीज हुई थी और एक कमाल की एक्शन ड्रामा मूवी है। इस मूवी को आईएमडीबी ने 6.3 की रेटिंग दी है और 88% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। दोस्तों, इस मूवी में जो एक्शन सीन्स है, वो आप लोगों को काफी ज्यादा एंटरटेन करने वाले हैं, तो आप लोग इस मूवी को देखना मत भूलिएगा। नंबर 5 पर आती है 14 ब्लेड्स मूवी, जो कि दोस्तों 2014 में रिलीज हुई थी और एक कमाल की एक्शन थ्रिलर मूवी है। इस मूवी को आईएमडीबी ने 6.3 की रेटिंग दी है और 86% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। दोस्तों, इस मूवी की भी स्टोरी लाइन काफी अच्छी है, तो आप लोग इस मूवी को देखना मत भूलिएगा। नंबर 4 पर आती है डैनी यांग की ब्लॉकबस्टर मूवी कुंग फू जंगल, जो कि दोस्तों 2014 में रिलीज हुई थी और एक कमाल की एक्शन थ्रिलर मूवी है। इस मूवी को आईएमडीबी ने 6.5 की रेटिंग दी है और 88% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। दोस्तों, अगर आप लोग मार्शल आर्ट्स के दीवाने हैं, तो ये मूवी आपके लिए मस्ट वॉच हो जाती है, तो आप लोग इस मूवी को देखना मत भूलिएगा। नंबर 3 पर आती है फ्लैश पॉइंट मूवी, यह मूवी दोस्तों 2007 में रिलीज हुई थी और एक कमाल की एक्शन मूवी है। इस मूवी को आईएमडीबी ने 6.8 की रेटिंग दी है और 89% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। दोस्तों, इस मूवी की भी स्टोरी काफी अच्छी है, तो आप लोग इस मूवी को देखना मत भूलिएगा। नंबर 2 पर आती है आयरन मंकी मूवी, जो कि दोस्तों 1993 में रिलीज हुई थी और एक कमाल की एक्शन मूवी है। इस मूवी को आईएमडीबी ने 7.5 की रेटिंग दी है और 88% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। दोस्तों, इस मूवी सीरीज के अंदर अभी तक 2 पार्ट आ चुके हैं और दोनों पार्ट कमाल के हैं, तो आप लोग इस मूवी को देखना मत भूलिएगा। नंबर 1 पर आती है डैनी यांग की ब्लॉकबस्टर मूवी आईपी मैन, जो कि दोस्तों 2008 में रिलीज हुई थी और एक कमाल की एक्शन ड्रामा मूवी है। इस मूवी को आईएमडीबी ने 8 की रेटिंग दी है और 91% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। दोस्तों, इस मूवी सीरीज के अंदर अभी तक 4 पार्ट आ चुके हैं, जिसमें से दोस्तों तीसरा पार्ट हिंदी के अंदर डब नहीं है और चौथे पार्ट को अनऑफिशियली हिंदी के अंदर डब किया गया है, तो आप लोग इस मूवी को देखना मत भूलिएगा।
मैंने इन सभी मूवीज की लिंक अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है, जहां से आप इन सभी मूवीज को इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों, अगर आप लोगों को डाउनलोडिंग में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। हमसे जुड़े रहिए दोस्तों ऐसे लेटेस्ट वीडियोज के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।